जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपको आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम विविध प्रश्नावली 1 का प्रश्न नंबर 15 हम लोग देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 आपको अच्छी तरह से समझ में आए इसके लिए आप वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखें और वीडियो को आप लाइक भी करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके बताएं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और मैक्सिमम अपने फ्रेंड के पास इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर संबंध एवं फलन क्लास 12 के विविध प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दिया क्या हुआ है। मान लीजिए a कोई सेट है और a के बारे में दिया है कि a = -1, 0, 1, 2 है और b = दिया हुआ है -4, -2, 0, 2 और fg देखिए दो फलन दो फंक्शन है, एक फलन f है और दूसरा फलन g है। तो fg के बारे में दिया हुआ है कि fg यानी दोनों के लिए a tends to b यानी f के लिए a का संबंध b से है और g के लिए भी a का संबंध b से है। ये दोनों को यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है fg such that a tends to b यानी f such that a tends to b और g such that a tends to b इसका मतलब होता है। और fx = fx की वैल्यू दी गई है fx = x²-x एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड gx = 2 mod x - 1/2 -1। तो देखें आपसे पूछ रहा है द्वारा परिभाषित किया गया है, यहाँ भी x इज एलिमेंट ऑफ ए है, पूछ रहा है कि क्या f और g समान है। तो अब इसके लिए हम करेंगे क्या कि जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं a की और जितनी भी वैल्यूज b की दी गई हैं, बारी बारी से हम इन वैल्यूज को रख करके देखेंगे कि f और g की वैल्यू सेम है कि नहीं है। तो चलें सबसे पहले fx, अगर यहाँ पर देखें वैल्यूज दी गई है -1 दी गई है, 0 दी गई है, 1 दी गई है, 2 दी गई है और ये fx की वैल्यू ये है, gx की वैल्यू ये है। अगर हम यहाँ पर देखें x के जगह पे -1 रखते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ fx की वैल्यू देखें तो ये x²-x है। अब हम x के जगह पे -1 रखते हैं और x के जगह पे -1 रख करके देखते हैं क्या मिलता है, ये -1 का स्क्वायर और माइनस और फिर x के जगह पे -1 है तो +1 हो जाएगा। अगर हम -1 का स्क्वायर करें तो 1+1 यानी ये 2 हो जाएगा। तो f-1 की वैल्यू निकालें हम, ज़रा g-1 की वैल्यू निकालें तो gx की वैल्यू आप देखे हैं 2 mod x - 1/2 और फिर इसके बाद -1 दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर x के जगह पे -1 रखें, देखिए f-1 की वैल्यू निकल चुकी है। अब हम ज़रा g-1 की वैल्यू निकालें तो g-1 की वैल्यू निकालें तो 2x के जगह पे -1, -1/2, -1 फिर देखिए क्या मिलेगा, ये है 2 और ज़रा इसको देखिए 3, 2 1 2 और -2, -1, -3, -3/2, -1 हो जाएगा और फिर ये देखें 2 और जब मॉड लेते हैं तो साइन हट जाता है, ये हो जाएगा 3/2 -1 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 3 - 1 यानी कि 2। तो आप देख रहे हैं कि जब हम f-1 की वैल्यू निकाले हैं तो f-1 की वैल्यू भी 2 आ रही है और g-1 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये भी 2 आ रही है। अब ज़रा 0 वाली वैल्यू देखें, बारी बारी रख करके देखेंगे दोनों में, जब दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी तो हम कह देंगे कि f और g दोनों सेम हैं, दोनों समान हैं। तो चलिए अब हम जो है x के जगह पर 0 रखते हैं तो f0, देखिए x की जगह पे 0 रख रहे हैं
तो यहाँ एक्स के जगह पे जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, माइनस जीरो, यानी ये वैल्यू जीरो हो गई है। अब हम जी जीरो की वैल्यू निकालते हैं, जी जीरो यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ जीरो रख रहे हैं। तो फिर देखें ये है 2 मॉड एक्स के जगह पे 0, 0 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, तो ये हो गया 2 और 0 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 होगा। अब माइनस 1 बाई 2 का मॉड ले लेंगे तो 1 बाई 2 हो जाएगा और ये माइनस 1 हो गया, तो फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये मिला आपको 1 माइनस 1 यानी 0 हो गया। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि f जीरो की वैल्यू और g जीरो की वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो अभी हम बारी बारी से, अभी हम माइनस वन रख करके देखे हैं, जीरो रख के देखे हैं, अब हम वन और टू रख करके देखते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर वन और टू रख करके देखते हैं। दो वैल्यू रख करके तो हम देख लिए कि f की जो वैल्यू आ रही है और g की जो वैल्यू आ रही है दोनों वैल्यू सेम आ रही है। अब हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो देखिए f1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, f1 तो x के जगह पे 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस हो गया 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर भी 1 रखते हैं तो ये हो गया g1 और फिर देखिए क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर 1 माइनस 1 बाई 2 और माइनस हो जाएगा 1, फिर ये हो गया आपका 2 और 1 माइनस 1 बाई 2 क्या हो जाएगा 1 बाई 2 हो जाएगा और फिर माइनस 1, तो ये हो गया 2 और 1 बाई 2 का मॉड लेंगे तो 1 बाई 2 ही होगा और ये हो गया माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 1 माइनस 1 यानी 0। तो यहाँ भी जो थर्ड वैल्यू हम रख करके देखे हैं तो थर्ड वैल्यू भी रखने पर f1 की वैल्यू 0 आ गई और g1 की वैल्यू 0 आ गई। अब हम 2 रख करके देख रहे हैं, चलिए f2 की वैल्यू तो रख करके देख रहे हैं, x के जगह पे 2 करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 यानी 2 हो गया। फिर अब हम g में रख रहे हैं 2, तो देखिए g2 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, g2 ये है 2, x के जगह पे 2 रखेंगे तो mod 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, तो ये हो गया 2 और ज़रा ये देखिए 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3 बाई 2, 3 बाई 2 का मॉड लेंगे तो 3 बाई 2 ही होगा माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 यानी 2 हो गया। तो f2 की वैल्यू भी 2 आई और g2 की वैल्यू भी 2 आई। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 में a की जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं, और देखिए एक चीज़ और हम आपको बता दें, यहाँ पर दिया था कि यक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, पहले वाले में दिया था एफ एक्स की वैल्यू जब नोट हुई थी तो दिया गया था यक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, और जब जी एक्स की वैल्यू हम नोट किए थे तो यहाँ भी दिया गया था यक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि एफ एक्स में यक्स की वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे तो वह ए का ही एलिमेंट होगा, जी एक्स में भी यक्स की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो ए का ही एलिमेंट होगा, हमको बी का एलिमेंट नहीं रखना है। अब आपके मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि ए में जितने एलिमेंट है उसको रख रहे हैं, बी के एलिमेंट को क्यों नहीं रख रहे हैं। तो क्वेश्चन में भी दिया है, एफ एक्स के साथ भी दे दिया है यक्स इज एलिमेंट ऑफ ए और जी एक्स में भी दे दिया है यक्स इज एलिमेंट ऑफ ए। तो यक्स की जितनी भी वैल्यूज हैं इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी रख करके हम देखे हैं तो एफ एक्स की वैल्यू और जी एक्स की वैल्यू दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एफ और जी दोनों समान हैं। और इस प्रकार जो है ये जो विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 15 था, ये क्वेश्चन नंबर 15 समाप्त होता है।
और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी आप करें ताकि पढ़ने वाले न्यू वीडियोज़ रोज़ आप तक पहुँच सकें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।